So hello and namaste everyone. We are in Munnar in the month of August, and as usual we have decided to stay in one of those secluded kind of camping stays. So basically we have booked some safari tents that is located in one of the highest points of Munnar, and we are enjoying it. आप ही बताइए, देखिए कैसा लगता है. चलो आगे देखते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ये टू व्हील ड्राइव है भाई. टू व्हील ड्राइव चला रहे हैं भैया. भाई तेरी गाड़ी, ये मोबाइल तेरा नहीं है, ये गाड़ी तेरी है. आ गया भाई, आ गया. पक्की सड़क. कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया एडवेंचर थी. 10 टेंट्स एंड 5 ट्री हाउसेस. 8 9 10. ओके, दीस आर आवर्स. यू कैन यूज वाईफाई इज अवेलेबल हियर. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर टेंट्स. हियर दीस आर द सफारी टेंट्स. वाओ, वी हैव बुक 3 टेंट्स. ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी है. 28 एकड़ का है टोटल एरिया. लेट्स गो इनसाइड. अंदर अंदर तो प्रॉपर रूम टाइप्स है भाई. काफी कुछ है प्रॉपर, जैसे होटल्स में होता है उस टाइप का. नाइस, बाहर का व्यू. वाओ, छोटी छोटी ना जो है देखता हूं उस टाइम. मैगी बन रही है भाई हमारी. क्या खुशबू आ रही है. हरी मिर्च भी डल रही है. नहीं खाई क्या? पहाड़ों में तो ऐसी मिलती है पहाड़ी मैगी. क्योंकि अब क्लियर भी हो गया भाई वेदर. क्या बढ़िया लग रहा है भाई. पूरा मिस्टी मिस्टी हो रखा था ये सारा. मैगी तो मारे ना. वेरिएशन डाला. ओह भाई, अब इनका थोड़ा प्लेइंग अरीना भी एक्सप्लोर करके आते हैं. तो यहाँ पर डार्ट्स है, ये आर्चरी भी है, उधर पीछे वहाँ बैडमिंटन कोर्ट है और बास्केटबॉल भी है. तो ये अभी अभिनव इंद्रा का एक साल का, जब वो एक साल नीचे जा रहे हैं तो जब वो एक साल का था तब वो ऐसे निशाने लगाया करता था. लक्ष्मण बेस्ट ऑफ थ्री. रामायण ग्रेट परफॉर्मेंस बड़ी. ट्रेनिंग लेती हुई है यहाँ पे. हाँ दो ना. आई एम वेरी बैड एट दी निशाना. ओके, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस वैसे ही रखना. ओके, थिंक इट इज देयर बट दिख नहीं रहा है. ओ नाइस, दिस गर्ल इज लर्निंग फास्ट. ओ भाई पर वीडियो नहीं बन रही थी. डोंट टेल मी दिस. डोंट कम ऑन, 10 लाख के दिखाओ. कंपटीशन चल रहा है. थर्ड राउंड गोइंग ऑन. अभी लीड कर रही है रीना. होगा. सेकंड इज मी फॉर टिल नाउ वेरी क्लोजली कंपीटिंग विद हर. ओ 8 लास्ट शॉट. वेल प्लेड बट यू हैव ऑलरेडी वन. ये हमारा गेम जो था अभी आर्चरी का वो खत्म हो चुका है और विनर आपके सामने है. विनर है आज की हमारी दीपिका कुमारी और रीना. दूसरे नंबर पर है हमारे मास्टर जी और शांतनु पुरस्कार में है बाहु. अगेन चल रहा है यहाँ भी घमासान कंपटीशन. फ्रिस्बी भी खेल चुके, थक चुके. सारे टाइप की हमने गेम्स ट्राई कर लिए यहाँ पर जो भी अवेलेबल था. डार्ट्स वगैरह, आर्चरी. शेफ एट वर्क. अंडा भुर्जी की तैयारी. ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है ना अंडा बनाना. ये शेफ के लिए हमने सारी साइड में तैयारी करके रख दी है. 3 भी नहीं बजे, वेदर हो गया एकदम मिस्टी मिस है. हाँ दोपहर में भी ऐसा वेदर, मतलब मजा ही आ गया. हो जाएगा. बुर्जी गेटिंग इनटू द शेप नाउ. और यहाँ साइड में एक नॉन वेजिटेरियन के लिए पोहा तैयार हो रहा है. रेडी टू ईट पोहा. पानी ज्यादा लग रहा है.
एकदम आज तो प्रॉपर खाना बन रहा है, ब्रेड सीखेगी अब, अंडा भुर्जी और ब्रेड पोहा। चलो भाई रेडी टू ईट, रिएक्शन रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अच्छा खाने लायक है भाई, नाइस पक्का। चलो भाई वी आर स्टार्टिंग ट्रैक। व्यू तो बढ़िया है भाई, यहाँ पे मौसम भी बहुत बढ़िया है, काफ़ी सही लग रहा है। यही एक्चुअली मुन्नार फोटोज में देखते हैं, एकदम प्लांटेशन हैं चारों तरफ। भैया वेस्ट बंगाल से हैं, नई इन्फॉर्मेशन पता चली भाई, ये पूरे प्लांटेशन टाटा के हैं, ये टाटा टी है सारी सारी। मुन्नार के वो बोल रहे हैं कि सारे प्लांटेशन टाटा के ही हैं, सारे टी गार्डन, ब्लू बॉन्ड भी टाटा के, ताज रेड लेबल टाटा तो है, स्क्विड गेम की मेंटर से बात कर रही है। स्क्विड गेम सही है, पीछे से तो बिल्कुल वही लग रही है क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मास्टर व्यू पॉइंट 2। ये अच्छा लग रहा रास्ता, बाइसन बाइसन मतलब वाइल्ड काउ काइंड ऑफ है ना, पर बहुत बड़े, बहुत फोटो दिखाई थी हमें, बिल्कुल रूम के सामने भी आ सकते हैं हमारे। हाँ बस इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई उनके अगेंस्ट कुछ फेंकना नहीं है और कुछ चिल्लाना वगैरह नहीं है। हाँ चिल्लाना वगैरह, हाँ ये वाले पैरों के निशान बोल रहा हूँ, ये उसी के ही लग रहे हैं। भागो मत, आराम से फट गई, फट गई इन दोनों की, आराम से कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ना। जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये की बात कर रहे थे, एक नीचे आ गया हमको देख के, बस साइलेंटली बस देख रहे हैं हमें। हाँ मतलब they are saying they are used to us, used to seeing humans, तो they won't attack you। बस आपको चिल्लाना नहीं। What are the next step? हम cross करेंगे? Cross तो नहीं करेंगे हम। View point तो उधर ही है उनके पीछे। यहीं से कहीं से। They are blocking the view point। थोड़ा आगे चल के देखते हैं। वो खड़ा हो गया अभी, अब वो आ रहा है हमारी तरफ। हमारे पीछे भाग रहे हो तो हम इसको आउट रन कर सकते हैं, इससे तेज भाग सकते हैं? अच्छा तो भैया ने बता दिया कि भाई अब जान को खतरा तो नहीं जाएंगे। चलो भाई व्यू पॉइंट तो नहीं देख पाए हम, थिंक हमने थोड़ी सी जान को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, थोड़ी सी। एंड ऑफ द ट्रैक, काफी जल्दी खत्म हो गया, कितने ही चले हम, 1 किलोमीटर ही करी हमने नेचर वॉक। चलो अब वापस जा रहे हैं, फिर देखते हैं अगर पकौड़े मिल रहे हैं तो पकौड़े खा लेंगे। स्नैक टाइम, अनियन पकौड़ा, चाय हम घर की बना के लेके आ गए थे, ये पूरा डिनर ले लिया। चलो आज बुफे सिस्टम है खाने का। व्यू तो भाई बाकी हर जगह से ही अच्छा है। खाते खाते ही मिस्टी हो गया पूरा वेदर, यहाँ पूरी मिस्ट आ गई है, यहाँ भी पूरा मिस्ट। बढ़िया भाई, फोन पर के मजे छुट्टी। चलो भाई ट्रैक नंबर 2 के लिए रेडी। यस है तो रास्ता थोड़ा सा मतलब एकदम प्रॉपर जैसे ट्रेल्स होते हैं वैसा ही है। उधर शायद कहीं जाना हो, सांस तो खुल रही है थोड़ी। We'll stay here for a while, then we'll go up there. Yes, आपको अपना स्टे दिखाते हैं हमारा कहाँ है। ये तो सारे टेंट हो गए, हमारा ये जो है इससे पीछे वाला द 3 मस्कीटियस बोलेंगे। इस बारी व्लॉग में इतनी मारवाड़ी कैसे चल रही है भाई, जब 3 मारवाड़ी है साथ में तो मारवाड़ी बोलेंगे ना। एक तो ये उसका मुंह है, ये चढ़ने की कोशिश कर रही है, थोड़ी हाइट गेन कर रहे हैं दोबारा से। ये इसको लीच काटी है, मोटी लकड़ी कहाँ गई वो, ये रही फर्स्ट एड बॉक्स काम आता हुआ। थोड़ा निकलेगा फोन, वो अपने आप बंद हो जाएगा। सब तो अपने ऊपर कर ले, नहीं लीच का इंतजाम कर रहे हैं, लीच से बचने का सॉफ्ट तो ऊपर कर ही लो। लेट्स गो फर्दर अप देयर और मे बी बियॉन्ड दैट आल्सो। काफी दूर आ गए हम लोग, वो था फर्स्ट पॉइंट जहाँ सब लोग खड़े थे इधर। अमेजिंग, सम टाइम यू कैन गेट मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज बाय योर रिलेटिवली इजी हाइक आल्सो, राइट? ये है मेरी लाइफ लाइन, चाय के बागान। हमें लगे अराउंड
49 minutes, 1.1 kilometer distance. We are at currently at this elevation. ये highest point है I think kind of मनाल का. चलो यार बस अब नीचे उतर रहे हैं. अच्छा था, छोटा ट्रैक था, कुछ 1.2 1.15 किलोमीटर्स का. तो बट अब नाश्ते का टाइम 10 बजे तक ही है और अभी 9 बज गए ऑलरेडी. Actually, this resort is having a very nice vibe, like in the night also, because of this arrangement. Like tents are arranged at steps and lighting is placed all over the place like this. So it gives a really, really nice view in the night. That girl, Chetna, उसका birthday है, तो हम आज advance में बनाएंगे. चलो भाई, रिजॉर्ट वालों को हमने बोला था कि चेतना का बर्थडे है, तो इसके लिए डेकोरेशन कर दिया, तो उन्होंने ठीक ठाक कर दिया वैसे. So that's the end of this trip. We are just signing out. Yeah. I think really nice property. We had a great experience. All thank that. You so much, ma'am. Thank you. Thank you. चलो मिलते हैं फिर next सतरंगी trip पे. ये वाली अच्छी लगी तो do like, share and subscribe. A big thanks to our passenger OP behind. ये सब tolerate करने के लिए basically vlogging. Thanks passenger OPs, rider OP signing off. And this is driver.